हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मी। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे वर्डप्रेस और जैम सर्वर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप जैम सर्वर और वर्डप्रेस को इजीली कनेक्ट कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप है, आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है और जैम सर्वर का सेटअप डाउनलोड करना है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है और देन उसके बाद आपको सबसे पहले जैम इंस्टॉल करना है। इसके दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको जैम इंस्टॉल करना है, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो सेकंड स्टेप है, आपको वर्डप्रेस का जो भी एक्सट्रैक्ट फोल्डर है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट हियर कर लेता हूँ। तो इसकी वर्डप्रेस की एक फाइल जनरेट होगी जिसके अंदर सारे वर्डप्रेस के फाइल्स होंगे। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे भी आपने जैम इंस्टॉल किया है लाइक सी ड्राइव डी ड्राइव, आपको जैम के फोल्डर में जाना है। देन आपको सारा वर्क इसके अंदर करना है, एच टी डी ओ सी एस फोल्डर के अंदर। ओके, इसके अंदर आपको जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, लाइक एक आपको फोल्डर क्रिएट करना है जिस नाम से भी आपको आपकी वेबसाइट बनाना है वर्डप्रेस में, उस नाम का आपको फोल्डर देना है। तो मैं देता हूँ डिजिटल मोहित एंड एंटर। ओके, मैंने डिजिटल मोहित नाम का एक फोल्डर बना दिया। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो भी मैंने वर्डप्रेस की फाइल अभी मैंने एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर जो जनरेट हुआ है उसके अंदर के सारे फाइल्स मैं कॉपी कर लूँगा और सिंपली मुझे जाना है जैम्प में एच टी डी ओ सी एस फाइल के अंदर और जो भी मैंने डेटाबेस न्यू क्रिएट किया है उसके अंदर मुझे सारे फाइल्स पेस्ट करना है। इट टेक्स सम टाइम्स, थोड़ा टाइम लेगा, ऑलमोस्ट ये हो चुका है। सो आपको वर्डप्रेस की सारी फाइल्स इस फोल्डर में डालना, जैसे कि आप देख सकते हैं डिजिटल मोहित के अंदर मैंने सारे वर्डप्रेस के फाइल जो कॉपी किए थे इसके अंदर पेस्ट कर दी। अभी आपको सिंपली जाना है और जैम को स्टार्ट करना है। जैम के फोल्डर में आपको जैम कंट्रोल में जाना है, आपको इसको ओपन करना है और ये जो फर्स्ट अपैचे एंड MySQL इन दोनों को स्टार्ट करना है। इसके बिना आपका वर्डप्रेस जैम से कनेक्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट स्टेप है, आपको MySQL के एडमिन पैनल में क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ से एक डैशबोर्ड ओपन होगा phpMyAdmin का। अभी आपने जो डेटाबेस बनाया है वही सेम डेटाबेस आपको यहाँ से क्रिएट करना है। ओके, यहाँ से आपको डेटाबेस पे क्लिक करना है, जो भी आपने नाम दिया है, मैंने दिया था डिजिटल मोहित, सिंपली आपको वही नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है और ऐसे कैटेगरी कॉलेशन में क्रिएट एंड क्रिएट करना है। सिंपली मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। फिर आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट टैब में क्या लिखना है, लोकल होस्ट / जो भी आपने डेटाबेस दिया था डिजिटल मोहित, / wp.php login.php, आपको ये URL में टाइप करना है। जैसे आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है आपको लोकल होस्ट आपका डेटाबेस नेम / wp-login.php टाइप करना है। इसके बाद आपके जैसे ही अगर प्रॉपर लिंकिंग हो गया होगा तो वर्डप्रेस का सेटअप होगा। आप देख सकते हैं, वर्डप्रेस का सेटअप ओपन हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे भी करना है लेट्स गो। देन यहाँ पे आपको डेटाबेस नेम, जो आपने डेटाबेस नेम दिया था वही आपको यहाँ पे भी देना है। देन आपको यूजर नेम यहाँ पे हमेशा याद रखने की, यहाँ पे आपको रूट देना क्योंकि सारी फाइल रूट से जनरेट होती है, तो आपको यहाँ रूट देना। पासवर्ड में आपको हमेशा यहाँ ब्लैंक रखना है और डेटाबेस अपना लोकल हो से तो इसको चेंज नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट है तो इसको वैसे ही रहने देना। सिंपली आपको करना है सबमिट। देन इसके बाद ऑप्शन आएगा रन द इंस्टॉलेशन, देन इस पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ से हो गया हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए सेटअप इंस्टॉलेशन स्टार्ट। तो यहाँ से सबसे पहले आपके साइट का नाम जो भी आपको देना है, जैसे मैं देता हूँ मैं फर्स्ट साइट। यहाँ से आपको वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल के लिए यूजर नेम और पासवर्ड आपको चूज करना है, जो भी आपको देना है।
मैं सिंपल अभी सिंपल ले रहा हूँ, आपको जो देना आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है कंफर्म यूज़ ऑफ बिग पासवर्ड, यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी देना है और सिंपली करना है इंस्टॉल वर्डप्रेस। विद इन 2 मिनट्स में ये सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा और डायरेक्टली आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे एंटर कर लोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अभी आपको क्या करना है, सिंपली जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है वही से आपको लॉगिन करना है। सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, देन आपका यहाँ लॉगिन वर्डप्रेस का ओपन हो चुका है। जो आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड चूज़ किया था वही आपको यहाँ देना है और सिंपली लॉगिन करना है। सो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली वर्डप्रेस जाम के साथ कनेक्ट हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।